पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, यानी वो जगह कश्मीर का वो हिस्सा जहां पर पाकिस्तान ने गैर कानूनी अवैध कब्जा बनाकर रखा हुआ है। पर क्या अब वो समय आ गया है जब पीओके में से पी और ओ हट जाएगा, यानी पाक का अधिकार हट जाएगा? क्या पाक अधिकृत कश्मीर वाले हिस्से पर भारतीय सेना कूच कर सकती है? कुछ संकेत ऐसे मिलते हैं, रक्षा मंत्री जब राजनीतिक रैलियां करती हैं तो कुछ आवाजें ऐसी उठती हैं। इसीलिए हम ये पूछ रहे हैं आज कि क्या कश्मीर की तस्वीर बदलने वाली है। मिशन 370 सक्सेसफुल। मिशन गुडविल सक्सेसफुल। ऑपरेशन सर्जिकल स्ट्राइक सक्सेसफुल। ऑपरेशन एयर स्ट्राइक सक्सेसफुल। ऑपरेशन ऑल आउट सक्सेसफुल। ऑपरेशन पीओके कमिंग सून। कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया है, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ है और वो कसा कभी भी हमारे दिलों में है। जैसे कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को चौंकाया, क्या वैसे ही कुछ करने की तैयारी है? पिछले 70 साल से पाकिस्तान पीओके पर अवैध कब्जा करके अपने अपराध को जायज दिखाने के लिए खूब कोशिश करता है। गिलगित बाल्टिस्तान को अपना प्रांत बताकर वहां कूटनीति के फूल खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन भारत अब इस कुटिल नीति पर ग्रहण लगाने के लिए तैयार है। और कम योगदान नहीं है, इनका बहुत बड़ा योगदान है। इस हकीकत को भी हमको समझना चाहिए।
और मैं दावे के साथ कह सकता हूं आज भी यदि सीमा पर जरूरत होगी, यदि फौज को कहीं से कोई कमी दिखाई देगी, हमारे पूर्व सैनिक भी सीमाओं पर आज भी जाने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे ऐसे पूर्व सैनिकों को हमने देखा है। पीओके धैर्य रखिए। भारत साफ साफ कह देता है कि ये इलाका भी मेरा है और हम इसे हासिल करने के लिए जान भी दे देंगे। पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। कभी गिलगित बाल्टिस्तान को प्रांत बनाने की पाकिस्तान कोशिश करता है, तो कभी लोगों पर भारत के खिलाफ बंदूक उठाने का दबाव बनाता है, कभी चीन के सामने झुकने के लिए कहता है। लेकिन अब ये आवाज बुलंद हो रही है, फौज को जवाब दिया जा रहा है, पाकिस्तानी सेना के गुरूर को चूर चूर किया जा रहा है। सवाल है कि क्या पाकिस्तानी मर्ज की सॉलिड दवा इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खोज ली है? क्या मोदी ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर अपना फैसला लॉक कर दिया है? पीओके के जाने का डर अब पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को रात दिन सोने नहीं दे रहा, क्योंकि अपने फैसलों से चौंकाने वाले प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर पाकिस्तान को चौंकाने की तैयारी कर चुके हैं। जगह तय है, तारीख तय है, प्लान तय है, अब इशारे का इंतजार है। आर्मी की पूरी तैयारी है, मतलब जब भी ऐसा कोई डिसीजन लिया जाता है और हुक्म आते हैं तो वो आर्मी के पास ही आएंगे, मतलब ना केवल आर्मी के, इंडियन आर्म फोर्सेस के पास जाएंगे। सो जब इंडियन आर्म फोर्सेस के पास जाएंगे तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, हम मिल के जो है उसको बड़ी अच्छे तरीके से जो है उसको निभाएंगे ग्राउंड के ऊपर, और उसी के लिए हमारी हर दिन जो है वो हम तैयारी के अंदर लगे रहते हैं। सो हमारी जो कन्वेंशनल कैपेबिलिटी है आज की तारीख में, हम उसी को जो है रिफाइन कर रहे हैं, उसी की जो है ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसी को जो है और सक्षम बना रहे हैं, ताकि जब भी इसकी जरूरत पड़े उस टाइम पे फिर हमारे को पीछे देखने की मतलब कोई नौबत नहीं आनी चाहिए। अब पूरे हिंदुस्तान के सामने सवाल है, क्या बहुत जल्द कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? क्या गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर पीओके तक पाकिस्तान के अवैध अतिक्रमण पर भारत का बुलडोजर चलने वाला है?